शेख, एक्चुअली हमारे जो मेरे दादी हैं जो रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं, तो उनके लिए मतलब कैसे होगा कि उनका जो कज़ा करना है रोज़े का वो कैसे करें? क्या वो कमजोर हैं, ज्यादा जयीफ हो गई हैं? हाँ, कमज़ोर हैं। अगर वो ज्यादा जयीफ हो गई हैं, इतनी जयीफ हो गई हैं कि अब आइंदा भी ये उम्मीद नहीं है कि वो रोजा रख पाएंगी, तो ऐसी सूरत में वो अपने हर एक रोजे की जानिब से एक फिदिया दें, एक मिस्कीन को खाना खिलाएं। जी हाँ, मिस्कीन मिस्कीन मतलब वो कैसे पहचाने शेख के कौन है, किसको खिलाना है? गरीब आदमी, गरीब आदमी। जैसे कि उनके घर में उनका बेटा है जो कि वो बोलते हैं कि वो उनको सही मतलब वो गरीब हैं, तो क्या उन्हें खिला सकते हैं खुद के बेटे को? नहीं, खुद के बेटे को नहीं, खुद के बेटे को नहीं, बाहर किसी गरीब आदमी को खिलाएं। ठीक है, मतलब खानदान में भी नहीं ना शेख? देखिए, जो कफारात होते हैं या जकात की रकम होती है, वो उसूल और फुरू आपस में एक दूसरे को नहीं दे सकते। उसूल और फुरू का मतलब, जैसे बेटा बाप को नहीं दे सकता, बाप बेटे को नहीं दे सकता, माँ बेटे को नहीं दे सकती, बेटा माँ को नहीं दे सकता,